दोस्तों अब हम जा चल रहे हैं असलम खान और हमारे साथ में चल रहे हैं टीबू विशु बागड़ी जी और हम असलम खान के जो उन्होंने कांवड़ सेवा का कैंप लगाया उसमें चलते हैं और आप लोगों को वहाँ की आंखों देखी दिखाते हैं। दोस्तों कांवड़ फीवर है गगन के पास, तो देखिए बढ़िया बढ़िया हमारी नंद नगरी के और शिव भक्त कांवड़ लेके आए हैं। हम इन शिव भक्तों का अभिनंदन करते हैं। हेलो, दो चार कार्यकर्ता पीछे की सफाई कर ले, खाने का समय हो रहा है। और जो छोटे भोले हैं वो पीछे पीछे सफाई करवाए जा रहा जाओ। जय बोलेगी रण सिंह बागड़ी। जय बोलेगी। हाँ बढ़िया सी बना रहा हूँ। आप भी कांवड़ आए हो भैया? आए हैं। जय बोलेगी भैया। हाँ वहीं रोजाना वही बढ़िया व्यवस्था है। वहाँ हमारे निगम पार्षद जी ने वहाँ व्यवस्था कर रखी है मंदिर पर। वहाँ आओ, वहाँ विश्राम करो। कहाँ आगे जाएंगे कहीं जाएंगे। गामड़ी सेवक है गंगाराम जी। जय बोलेगी। और ये हमारे राम निवास जी है, समाज सेवक है। नरसिंह जी का योगदान बहुत है और कांवड़ सेवा ये कांवड़ सेवा में सेवा दे रहे हैं। हमारे राम निवास जी बड़े मेहनती है, सोशल वर्कर है। अभी भोले बाबाओं की जय हो। जय हो, जय हो। अब डाका उड़ने वाली है। हाँ ये देखिए हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हुए शिव कांवड़ भक्त इन कांवड़ियों को लोग हमारे समाज के ही लोग इन्हें तरह तरह की बातें करते हैं। जबकि इनसे पूछो, इनके दिल से पूछो, 250 220
230 किलोमीटर चलना बहुत कठिन होता है हम लोगों से, तो हम 5 किलोमीटर नहीं चल सकते। और ये लोग देखिए कितना वजन लेकर जल लेकर और अपने गणतंत्र पर पहुँचते हैं और वहाँ मंदिर में शिव के महिमा पर, शिव की मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं। आस्था बहुत बड़ी चीज़ है और आस्था को नकारा नहीं जा सकता। ये देखिए भोले बाबा की प्रतिमा, बहुत सुंदर कावड़। जय भोले की। भोले कहाँ से, कहाँ से भोले? जहांगीरपुरी बलसवा। जय हो भोले, जय हो भोले। भोले आप कहाँ से? बुराड़ी। अच्छा अच्छा, संतनगर, संतनगर बुराड़ी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय भोले की, जय भोले की। मेरा चैनल है रण सिंह पागड़ी करके, उसे सब्सक्राइब करना, देखना, ठीक है। तो हम गगन सिनेमा के पास खड़े हैं, यहाँ कावड़ फीवर में हम शिव भक्त कावड़ियों के दर्शन करने आए हैं और आपको कराने आए हैं। ये यहाँ पर जितने भी कावड़ी आ रहे हैं उनकी यहाँ सेवा भाव देखने योग्य बन रहा है और आप लोग भी आकर कावड़ सेवा कैंपों में अपनी सेवा दे सकते हैं। बेहतरीन सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। और बिलाल खान राजिंदर ठेकेदार मेंबर, बिलाल खान चेयरमैन थाना नंद नगरी, देवेंद्र कुमार अध्यक्ष गगन डीडीए मार्केट, ये अमन एक्शन कमेटी की तरफ से दूध वितरण शिविर लगाया गया है। अभी व्यवस्था चली रही है, अभी थोड़ी देर में डाल दिया सबके नाम कर दिए। और ये हमारे सेवादार हैं जो कावड़ शिविरों के कावड़ियों के लिए खड़ व्यवस्था बनवा रहे हैं कावड़ निकालने के लिए। ये हमारे भाई हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नितीश कुरेशी है। नितीश कुरेशी जी हाँ। आपका सर? जी मुमताज अली। मुमताज अली, ये बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखने को मिल रहा है एकता, हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देखने को मिल रहा है कि किस तरह से हम लोग एक भाईचारे के नाते, हम भाईचारे के हिसाब से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये आमिन अलवी जी की फोटो है और ये शकील अलवी जी की फोटो है। शकील अलवी जी, हमारे मुन्ना खान जी आ चुके हैं, हमारे सरवण कोहली जी भी आ चुके हैं, और आप सभी का स्वागत है यहाँ। दोस्तों, जन कल्याण विकास मंच ने जो प्रोग्राम वहाँ कावड़ शिविर बाहर लगाया हुआ है, उसके वहाँ व्यवस्था जो है कांवड़ियों को ठहराने का इस मंदिर में किया हुआ है। श्री परमा प्रशासन ने वहाँ बाहर जो है परमिशन नहीं दी थी, इसलिए वहाँ छोटा सा एक कैंप लगाया है जो आने वाले कांवड़ियों को वहाँ जलपान करा के यहाँ ठहराया जाता है। बहुत बेहतरीन व्यवस्था की हुई है,
बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर कांवड़ियों के लिए। शिव भक्त जो आएंगे यहाँ नहाने का खाने का हर तरह की सुविधा दे रखी है। जन कल्याण विकास मंच की तरफ से बहुत बेहतरीन सुविधा। हमारे निगम पार्षद जी आएंगे अभी आएंगे बोल के गए शाम को होगा। इसके बैक साइड में देखिए खाने की व्यवस्था हो रही है, वहाँ खाना बन रहा है, वहाँ खाना बन रहा है। ये सिर्फ भक्त कांवड़िए आने शुरू हो गए हैं। जय श्री राम, जय भोले बाबा की, जय श्याम खाटू वाले बाबा की। दोस्तों मेरा चैनल है रण सिंह बागड़ी करके, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नए बहन भाई जुड़े हों वह सब्सक्राइब करें, और अगर कोई चूक हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, धन्यवाद।